आज के 2500 वर्ष पहले हमारे देश का नाम भारत नहीं था, जम्बूद्वीप था। उस जम्बूद्वीप का भारत एक टुकड़ा है। जम्बूद्वीप की सीमा भारत से कई गुनी थी। भारत, नेपाल, पाकिस्तान, बांग्लादेश, बलूचिस्तान, सिंगापुर, श्याम सबको मिलाकर के जम्बूद्वीप कहते थे। उसी जम्बूद्वीप में जिनकी प्रतिमा लगी बुद्ध, इनका बचपन का नाम सिद्धार्थ था। सिद्धार्थ के रूप में राजा शुद्धोधन के यहाँ जन्म लिया महामाया के गर्भ से। फिर गृह त्याग किया तो ये बुद्ध बने, बुद्ध कहलाए। तो जिस समय ये बुद्ध उस जम्बूद्वीप में भ्रमण करते थे, उस समय यहाँ के सभी नागरिक इसी भाषा को बोलते थे, इसी भाषा को समझते थे जो अभी आपने सुनी। उस समय आप समझते थे इस भाषा को बुद्ध, इसलिए इस भाषा में बोले। आज आप नहीं समझते हैं। तो बुद्ध ने कहा कि किसी को शिक्षा देनी हो तो उस भाषा में देना चाहिए जिस भाषा को वो समझता हो। इसलिए थोड़ा आपकी भाषा में बात करता हूं। जैसे अभी कहा था, एवं मे सुतंग एकंग समयंग भगवा सावथ्यंग बहरत जेत बने अनाथ पिंड कसारा में अथ को अई तरा देवता विंगताय रतियां विकंत वर्णा केवल कपंग जेत बनंग ओवा सेत्वा एन भगवा तैनब संक्रमित्वा भगवंतंग अववादेत्वा एक मंतंग 88। यानी एक समय भगवान राजगिरी में ठहरे हुए थे, जेतवन बिहार में, बेड़वन बिहार में। उस समय एक देवता बुद्ध विहार को अपने दिव्य ज्योति से, एक रात को देवता अपने दिव्य ज्योति से प्रकाशित करते हुए वहां पहुंचा। भगवान को अभिवादन कर भगवान के पास खड़ा हुआ और भगवान से बोला, बहुदेवा मनुष्या च मंगलान्य चिंतयो आकंख माना सोथान गृह मंगल मतम। बहुत सारे देवताओं में और मनुष्यों में इस बात पर चर्चा है कि मनुष्यों का कल्याण कैसे होगा। तो भगवान बोले उस देवता से, असेवना च बालानंग पंडिता नहीं सेवना पूजा च पूजनानंग एकता मंगल मतम। मूर्खों की संगत न करना, विद्वान ज्ञानी जनों की संगत करना, पूजनियों की पूजा करना, सम्मानियों का सम्मान करना, ये उत्तम मंगल है। क्या खबर है आगे कहा, क्या नाम, बाहु सच्चा च विनयो चा सुशिक्षितो सुभाषिता चाया वाचा एतम मंगल। बहुत श्रेष्ठ होना यानी सिर्फ नहीं नहीं कार बनना और नहीं पूर्व जनों के पूर्ण संचित होना, विनीत होना, ये उत्तम मंगल है। आगे कहा, पति रूप देश वासो चा पुब्बे चा कतपुयता अत सम्मा पड़े दिचा एतम मंगल। अनुकूल स्थान पर निवास करना, पतिरूप देशवासो चा पुब्बे चा कतपुयता, हाँ, और पूर्वजनों का पूर्ण संचित होना, ये उत्तम मंगल है। आगे कहा, माता पितु पठानं पुत्र दारस संग हो अनाकुला चा कमंता एकदम मंगल होता। माता पिता की सेवा करना, परिवार में स्त्री पुत्र और जो परिवारीजन बंधुजन हैं उनका पालन पोषण करना, अतिथियों का स्वागत करना, ये उत्तम मंगल है। आगे का, दानै च धर्मचर्या च यातकान च संग हो अनवज्जानि कम्मानि एकदम मंगल मतम। समय समय पर दान देना और धर्म के अनुकूल आचरण करना और समय समय पर धर्म चर्चा सुनना, ये उत्तम मंगल है। अनवज्जानि कम्मानि एकदम मंगल, और जो वर्जित अनवर्जित काम है, जो उनको काम नहीं करना चाहिए, उन कामों को ना करना, ये उत्तम मंगल है। आगे का, आरति विरति पापा मज्जि पाना च संयमो अप्रमादो च धम्मेषु एकम मंगल। मतलब आर सत्यम आर अष्टांगिक
आर सत्य जो है उन पर विश्वास करते हुए आर अष्टांगिक मार्ग का पालन करना और आर अतिवृत्ति पापा मज्जवजनी मांस मदरा इत्यादि का श्रवण मतलब जो है सेवन न करना, धर्म के अनुकूल जो है आचरण करना, ये उत्तम मंगल है। गारवो चा निवातो चा संतुष्टी चा कतयता कालेन धम्म समरंग मंगल मुत्मा। अपने धर्म गुरुओं अपने बुजुर्गों का गौरव करना, मान सम्मान करना, उनकी सेवा करना और समय समय पे अपने धर्म गुरुओं के दर्शन करना तथा उनसे धर्म चर्चा करना उत्तम मंगल है। खंती चा शोभ चस्ता समरानंच दर्शनं कालेन धम्म सा कच्छा एकदम मंगल मुत्तमम। और क्षमावान होना, क्षमाशील होना, संतुष्ट विनीत होना और धर्म के अनुकूल चर्चा करते हुए धर्म का आचरण करना उत्तम मंगल है। तपो च ब्रह्मचर्य च अरि सच्चान दर्शनं निब्बान सच्च क्रिया चाहे तम मंगल। तप करना, ब्रह्मचर्य का पालन करना, अष्टांगिक मार्ग पर चलते हुए निर्वाण को साक्षात्कार करना उत्तम मंगल है। उसके बाद कहा है को भी गाथा मैंने सुनाई थी अभी समय कि आठ लोग धर्म बताए भगवान बुद्ध ने, दुख सुख में समान रहना, यश अपयश में समान रहना और जाना दुख मान सम्मान निंदा प्रशंसा, इन आठ लोक धर्म जो हैं इनमें मनुष्य जो विचलित नहीं होता है इसमें वो ऐसे ही चर्चा मतलब आचरण करते हुए जीवन में ये मनुष्य के लिए आठ लोक धर्म बताए। इनमें भगवान के हिसाब से जो जीवन यापन करता है ये मनुष्य के लिए कल्याणकारी है। ये इस तरह से 38 लोक धर्म 38 कल्याणकारी मंगल बताए हैं। इन पे चर्चे के आचरण करते हुए कोई भी मनुष्य अपना जीवन यापन करता है तो वो अपना कल्याण को प्राप्त होता है, सत्य को प्राप्त होता है, ये उत्तम मंगल है। एक बार भगवान बुद्ध ने से किसी देहाती अनपढ़ आदमी ने कहा, भगवान आपका धर्म तो बहुत विशाल है, हमारी समझ में तो नहीं आ सकता, हमें तो कोई सरल भाषा में कोई थोड़ा सा बता दो। तो भगवान ने कहा सब पापस अकरणम कुशलस उपसंपदा सचित्य परियोधपनम एतान बुद्ध शासन। काया वाणी मन के सभी प्रकार के पापों को न करना और का नाम मन को शुद्ध करना ये उत्तम मंगल है, क्योंकि यही भगवान का मार्ग है कल्याणकारी। क्योंकि आप देखते हैं कि हर मनुष्य के दो तरह की नजर होती है, वही व्यवहार जब दूसरे के साथ करता है तब उसकी नजर कुछ और होती, सोच और होती है, और उसके साथ जब किया जाता है तो कुछ और सोच होती है। तो सीधी सी बात दो शब्दों में उन्होंने कहा कि जो व्यवहार अपने को बुरा लगे वो दूसरे के साथ ना करो तो तुम्हारे साथ कोई नहीं करेगा। जैसे तुम किसी को सताते हो तब नहीं लगता कि तुम गलत कर रहे हो, लेकिन जब तुम्हें कोई सताता है तो तकलीफ होती है,
तुम्हें कोई गाली देता है तब तकलीफ होती, तुम किसी दूसरे को गाली देते हो, बुराई करते हो, चुगली करते हो तब नहीं लगता कि मैं गलत कर रहा हूँ। तुम्हारी कोई बुराई करता है, गाली देता है, चुगली करता है तो बुरा लगता है। इसी तरह से पांचों शिक्षाएं सब इसी के अंदर आ जाती हैं। आप दूसरे के साथ जैसे किसी की बहन बेटियों को बुरी नजर देखते हैं तब नहीं लगता मैं गलत कर रहा हूँ, और आपकी बहन बेटियों को बुरी नजर देखता है तो आपको तकलीफ होती है। इसलिए आपको चाहिए कि हम दूसरे के साथ ऐसा न करें तो हमारे साथ कोई ऐसा नहीं करेगा। आप किसी दूसरे की वस्तु को अपहरण करते हैं, छीनते, चोरी करते हैं तब नहीं लगता मैं गलत कर रहा हूँ। आपकी चीज को कोई छीनता है, चोरी करता है, बेईमानी करता है तो आपको तकलीफ होती है। इसलिए भगवान ने कहा ऐसा तुम किसी दूसरे के साथ ना करो तो तुम्हारे साथ कोई ऐसा नहीं करेगा। खुद यदि आप दारू पिए हुए हैं, किसी को बकवास कर रहे हैं तब नहीं लगेगा मैं गलत कर रहा हूं। अभी कोई दारू पी करके आ जाए और यहां बकवास करने लगे तो आप कहेंगे इसे भगाओ भगाओ। इसलिए भगवान ने कहा कि जो व्यवहार स्वयं को बुरा लगे दूसरे के साथ ना करो तो तुम्हारे साथ कोई नहीं करेगा। सरल भाषा में उस बेचारे गरीब को, बेचारे देहाती अनपढ़ आदमी को समझा दिया भगवान ने, उसकी समझ में आ गया। तो संक्षेप में ऐसे ही है क्योंकि इस समय सब 5 बज गए हैं। तो उपदेश के हिसाब से तो बहुत ठीक है, लेकिन समाज में जो व्यवहारिकता है, जो भी ताकतवर आदमी है उसका व्यवहार अपने से कमजोर की तरफ अलग ही रहता है। देखिए आप जो कहते हैं वो तो ठीक बात रहता है। अब भगवान किसी के पीछे लाठी लेके तो पड़ेंगे नहीं, भगवान ने शिक्षा दी, इस शिक्षा को यदि हर आदमी मान ले तो कोई किसी को क्यों लाठी लेके दौड़ेगा। हाँ, तो भगवान ने तो शिक्षा दी, अब जो उसे मानेगा भाई उसका कल्याण होगा। धर्म एक ऐसी चीज है कि जो धर्म की रक्षा करता है धर्म उसकी रक्षा करता है। धर्म तो एक ढाल के समान है। मैं कह रहा था ह्यूमन नेचर जो वर्ल्ड ओवर इंडिया में वर्ल्ड ओवर वो ताकतवर का व्यवहार जो अपने कमजोर के ऊपर अलग है, कहीं भी का देखो हिंदुस्तान बाहर कहीं नहीं। ये और जब उसकी नहीं ले सकते जो शिक्षा देते हैं तो सबको एक लेवल पर तो नहीं रहता। देखिए आप जो कह रहे वो ठीक कह रहे, जो आज बात है वो उस समय भी थी जिस समय भगवान के समय में भी, तो भगवान ने तो शिक्षा दी थी सबको, यानी ताकतवर को भी और कमजोर को भी। और भगवान की शिक्षा को जिसने समझ लिया वो भगवान के अनुयायी बन गया, चाहे वो राजा हो, चाहे महाराजा हो, चाहे गरीब हो, सभी भगवान के शरण में आए। जिसने भगवान की शिक्षा को समझ लिया कि ये कल्याणकारी है, और जिसने नहीं समझा तो देखिए धर्म न तर्क वितर्क है, धर्म न वाद विवाद, बिरज विमल चैतन्य का धर्म पुनीत प्रसाद। तर्क बहस करने का धर्म नहीं है ये, इससे आदमी बहस करके बुद्धि विलास कर सकता है, वाक युद्ध कर सकता है। धर्म तो जीवन में उतारने वाली चीज है, जो धर्म में जीवन में उतारता है कल्याण उसका होता है। इसलिए कहा है कि जाने समझे धर्म को पर न करे व्यवहार, वृथा बोझ ढोवत फिरे कैसा मूर्ग मार। पर तो खूब लिया धर्म कि हमसे ज्यादा कोई नहीं जानता, ये भंते चीवधारी ये हमसे ज्यादा पढ़े नहीं लिखे नहीं, हमसे ज्यादा किताबें नहीं पढ़ी, जी क्या जाने धर्म इससे ज्यादा तो हम ही जानते हैं, ऐसी लोगों की सोच होती है। लेकिन तुम जानते ही तो है लेकिन आचरण तो नहीं करते, यदि आचरण करो तो उसका लाभ हो। इसलिए कहा है कि धारण करे तो धर्म है, वरना कोरी बात, सूर्य उगे प्रभात है वरना काली रात। धर्म तो धारण करने वाली चीज है, ग्रहण करने वाली चीज है, आचरण करने वाली चीज है। जो इसको धारण करेगा, जो इसको ग्रहण करेगा उसका कल्याण होगा, गरीब कोई भी हो सकते। अब मंगल मैत्री करते हैं, मंगल मैत्री हो सभ्य सत्ता, सभ्य सत्ता वही मंगल मैत्री, ठीक ठीक। सभी प्राणियों के लिए मंगल कामना करेंगे, जैसा मैं बोलूं आप उसे दोहराएंगे, सबकी आवाज आना चाहिए, प्यार से मेरे साथ कोई नहीं बोलेगा।
सबका मंगल 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 हो रे सबका मंगल हो रे जन जन मंगल 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 हो रे जन जन मंगल हो रे दसों दिशाओं के सब प्राणी 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 मंगल लाभी हों रे मंगल लाभी हों रे जितने प्राणी हैं इस जग में 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 सारे सुखिया हों रे सारे सुखिया हों रे जल के थल के और गगन के 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 कोई न दुखिया हो रे कोई न दुखिया हो रे तन मन के दुखड़े मिट जावे 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 प्राणी सुखिया हो रे प्राणी सुखिया हो रे संकट सब के दूर सभी हो 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 बाधाएं हट जाएं रे बाधाएं हट जाएं रे निर्भय हो निर्भैर सभी हो 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 सभी निरामय हो रे सभी निरामय हो रे राग देश अरुमोह ईर्षा राग देश अरुमोह ईर्षा राग देश अरुमोह ईर्षा
देश राग देश और मोह ईर्ष्या मैल सभी धुल जाए रे मैल सभी धुल जाए रे करुणा मैत्री और सत्य से 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 मन मानस लहराए रे मन मानस लहराए रे इस धरती पर शुद्ध धर्म की 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 अमृत बरसा हो रे अमृत बरसा हो रे अंतर मन में धर्म की गंगा 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 लहर लहर लहराए रे लहर लहर लहराए रे जन जन के मन मैत्री जागे जन जन के मन मैत्री जागे जन जन के मन प्रज्ञा जागे जन जन के मन प्रज्ञा जागे जन जन मंगल हो रे जन जन मंगल हो रे सबका मंगल सबका मंगल सबका मंगल सबका मंगल तेरा मंगल मेरा मंगल तेरा मंगल मेरा मंगल सबका मंगल हो रे सबका मंगल हो रे लोग थोड़ा शांत रहेंगे सभ्य सत्ता सुखी हंतु सभ्य हंतु चखे मनो सभ्य भद्राण पश्यंतु मा कंच दुख मागमा सभ्यो विभजंतु सभ्य रोगो विनश्यतु माते भवतवंतरायो सुखी दीर्घायुको भव भवतु सब मंगलं रखन्तु सब देवता सब बुद्धान भावेन सदा शक्ति भवन्तु ते भवतु सब मंगलं रखन्तु सब देवता सब धम्मान भावेन सदा शक्ति भवन्तु ते भवतु सब मंगलं रखन्तु सब देवता सब संघान भावेन सदा शुद्धी भवन्तु ते साधु साधु साधु